बोलना चाहता हूँ कि मैं अभिनेता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ और बेटा बन के मैंने काम किया हूँ। पहले आप लोग मुझे जानते हो, मैंने 15 साल से सोशल वर्कर हूँ। मैंने अंबानी से लड़ाई लड़ी, मैंने अल्लाह के बंदे हर हॉस्पिटल में इलाज कराया, जोमेटोज के बच्चों को इंसेंटिव दिलाया, मैंने हिंदू मुस्लिम जो करते थे उन लोग से लड़ाई की। देखिए, सिस्टम से लड़ना है, सिस्टम में चेंज लाना है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना है तो सिस्टम में बैठना पड़ेगा। लोगों ने मुझे बिग बॉस में बहुत पसंद किया, बिग बॉस देखते थे, बहुत पसंद करते थे, लेकिन मैं ओरिजिनल बिग बॉस के घर में जाके आया हूँ जहाँ पे सिस्टम समझ में आता है कि एक्चुअली सिस्टम है क्या। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाहर आके डर के बैठ जाने से अच्छा है, थोड़ी बहुत ज़िंदगी बची है तो लड़के मर जाते हैं। मुझे थ्रेटनिंग के फ़ोन भी आ रहे हैं कि तुम अपना फॉर्म वापस ले लो, बैठ जाओ, ऐसा वैसा। मैं लड़ाई लड़ने उतरा हूँ, मैं लोगों का भला करने उतरा हूँ और मुझे भला करना है। मैंने ये नेता रह के नहीं, मैंने इंसान रह के भी किया हूँ ये। एज एन एक्टर जब मैं था तो मैंने लड़ाइयाँ रोड पे उतर के लड़ी, आपको पता है, मीडिया वाले की लड़की को जो अंधेरी इसमें हॉस्पिटल में 4.5 लाख लोग 4.5 लाख रुपयों के लिए उसको उसकी बेटी से मिलने नहीं दे रहे थे, उसको छोड़ रहे नहीं थे। आपको ये पता होगा, यूट्यूब पे है वो। सारे मीडिया वाले मुझे फ़ोन किए, मैंने जाके वो लड़की के लिए लड़ाई लड़ी, मुझ पर पुलिस केस हुआ, मैं जेल भी गया, लेकिन मैं 4.5 लाख रुपये भर के उसको लेके आया। वो मेरी बहन, उसकी बच्ची, दोनों मेरे लिए दुआएं करते। सर, मैं सिस्टम में आऊँगा तो कुछ कर पाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा साथ दें। मैं एक यंग और हेल्दी नेता हूँ जो लड़ाई लड़ेगा, ग्राउंड पे उतर के लड़ेगा और घर घर जाके सबको समझाएगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी हमें मंदिर मस्जिद ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं, अभी हमें स्कूल की ज़रूरत है। बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। कौन से घर के अंदर ऐसा है कि आप देखिए, मुझे बहुत सारे हिंदू मिलते हैं, उन्होंने गीता नहीं पढ़ी, बहुत सारे मुसलमान मिलते हैं जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, तो एक्चुअली में लोगों को धर्म क्या है वो पता ही नहीं है। जब तुम पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कोई गीता ये नहीं कहती कि तो मुसलमानों को मार दो, कोई कुरान में ये नहीं लिखा, कुरान के अंदर ये लिखा ही नहीं है कि आप हिंदुओं को मार दो या मंदिर तोड़ दो या ये इंसानों की बनाई हुई चीज़ है। इसको धर्म पे थोप के लोग राजनीति खेल रहे हैं। तो आप तोड़ने की राजनीति बंद कर दो, जोड़ने की करो। आप अगर जोड़ दे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को तो भारत देश कहाँ पहुँच सकता है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने मेरा डर निकाल दिया है। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उनसे कि देखिए, मैं मेरे पे 9-10 झूठे मुकदमे हैं जिसके कोई हाथ पैर ही नहीं है। उसके बाद मैं जेल भी गया, मैंने सहा भी, मेरी फैमिली ने भी सहा। क्या अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना ये गलत है? ये संविधान में मेरा हक है कि मुझे जो सही नहीं लगता मैं वो बोल सकता हूँ। क्या मेरे बोलने से आपको इतना फर्क पड़ रहा है कि आप मुझे जेल में डाल दे रहे हो? मैं बोलता रहूँगा, मैं फिर आ गया हूँ, मैं फिर बोलूँगा, मैं फिर लड़ूँगा, मैं लड़ता रहूँगा। कम से कम मुझे शर्म तो नहीं आएगी कि मैं सोने जाऊँगा कि यार एजाज, देश में तेरी बहनों का बलात्कार हो रहा था, देश में लोग हिंदू मुसलमान कर रहे थे, देश में पढ़े लिखे MBA किए हुए बच्चे जोमेटोज में जाके वेटर बन के
खाना दे रहे हैं, उनके माँ बाप उनको बचपन से अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी, अपना खून पसीने का पूरा कमाई निकाला, उसको पढ़ाया और वो पढ़ के उस लायक है कि वो कई बड़ी जगह नौकरी कर सके, उसको नौकरी नहीं है, वो जोमैटोस में अपने माँ बाप के सामने खाना लेके देने जा रहा है। उस माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है ना, मैं जानता हूँ, मैं भी एक बाप हूँ। अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लगा के उसने अपने बच्चे को पढ़ाया और उसके बाद अगर वो जोमैटोस में जाके खाना दे रहा है ना, वही जोमैटोस वाला इनसे काम करा के इनका इंसेंटिव भी नहीं दे रहा था, मैंने लड़ाई लड़के उनका इंसेंटिव दिलाया, 5,000 बच्चे, वो 5,000 आदमी बोले भाई तुमको ही वोट करेंगे। अभी इन लोग ये बोलेंगे एजाज खान या तो किसी को जिताने आया है या किसी को हराने आया है। मैं खुद यहाँ पे लड़के जीतने आया हूँ, ना मैं किसी को हराने आया हूँ ना मैं किसी को जिताने आया हूँ। अरे यार, मैंने प्लान बना के एमएलए का इलेक्शन लड़ा तो इन लोग को लगा यार इसको अंधेरी से आके वहां पे 3,500 वोट मिल गए, निर्दलीय लड़के जहाँ पे इसको इतनी सारी, ना मुझे पुलिस परमिशन दी, अभी आप लोग देख लेना, ना मुझे पुलिस परमिशन देंगे और मुझे कई चीज़ों में परेशानी आएगी कि कल हो जाओ वहाँ पे आज ये है परसों वो है, उसके बावजूद मैं 3,500 वोट लिया था एमएलए इलेक्शन में। अब मैं मेहनत करूँगा क्योंकि इन्होंने मेरे 26 महीने तो ऐसे ही ख़राब कर दिए, 26 महीना मेरे को यूनिवर्सिटी में भेज दिए, दुनिया की सबसे खतरनाक जेल जहाँ पे 600 की कैपेसिटी में 4,000 लोगों को रखा जाता है, खाना मतलब जानवर नहीं खाए, सोना एक के ऊपर एक आदमी सोता है। तो ये सब चीज़ें मैं देख के आया हूँ तो अब मुझे डर नहीं लगता, अब मुझे डर नहीं लगता किसी चीज़ से, पहले भी नहीं लगता था लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं लगता, सिवाय मेरे अल्लाह के, मुझे उसको जवाब देना है। और उन्होंने मुझे अंदर से ऐसा फीलिंग दिलवाया है कि अभी छोटी मोटी ज़िंदगी बची है, कुछ अच्छा कर ले, जैसा तू करता था वैसा कर, सेहत है तंदुरुस्ती है करूँगा, इसलिए डंबल ले आऊँ कि डंबल निशानी कि एक तो डंबल उठाने के लिए पहले तो दिमाग और ताकत चाहिए और उसके बाद तुम्हारे शरीर में वो जान चाहिए, वो ईमान चाहिए कि तुम उसको उठा सको, उसकी जिम्मेदारी उठा सको और वो तुम्हें सेहत देगा। तो भ्रष्टाचारी जो चोर है, जो लोगों को लूटते हैं, जो गरीबों का खून चूसते हैं, जो गरीबों के नाम पे अपनी रोटी सेकते हैं, उन लोगों के लिए मैं बना के आया हूँ ताकि 100 लोग आ जाए तो मैं उनसे लड़ सकूँ और इनके लिए इंसाफ मांग सकूँ। क्योंकि अब मैं जिस रास्ते पे हूँ वहाँ पे मुझे डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, मुझे रोका जाएगा, मेरी फैमिली को परेशान किया जाएगा, मुझे बदनाम किया जाएगा। अब और क्या बदनाम करोगे मुझे? फैजल भाई, हमेशा आप सच बोलते हो और आपके एक डायलॉग भी है कि हमने सच बोला तो हमें जहर पिला दिया गया, तो आप सच बोलते हैं, थोड़ा तरीका अलग है आपका बात करने का। लेकिन आपको लगता है आप टिकट लिए 10 आपके तो आपके ऊपर झूठे केस हुए, आपके पुत्रों को फंसाने की तैयारी में लग गए होंगे आदि लोग? सर लग जाने दो, देखो वो तो जिल्लो मंतुसा वो तो इज्जो मंतुसा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। बोले जाको राके साइया मार सके ना कोई, ये लोग कुछ भी कर ले ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मेरी जो शुरुआत हुई कुरला में, जब मैं गया तो मुझे माओ ने ऐसा वेलकम किया कि हिंदू मुसलमान का गेम ही ख़त्म कर दिए वो, कि एक मेरी माँ यहाँ से आई दाल घोष लेके, एक मेरी माँ वह गुजराती वो भी, और दोनों ने मेरे को दुआएं दी कि एजाज हम तुम्हारे साथ है बेटा, हम तुम्हें देखते आ रहे हैं यूट्यूब पे, इस पे तुमने कोरोना में इतना काम किया, तुमने कैंसर के पीड़ित लोगों के लिए काम किया, तुमने हार्ट पेशेंट लोगों के लिए काम किया, तुमने हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ी, तुम जेल गए, सब पता है आम जनता को, इसीलिए ये लोग बौखला गए। अब ये लोग अंदर अंदर नीचे से मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश करेंगे। देखो नाम तुम्हें खुद कमाना पड़ता है, बदनाम तुम्हें ये लोग कर देंगे, इनके पास पूरी टीम है। कि आपकी स्थिति केजरीवाल जैसी कर दी है?
भाई अभी फिलहाल मेरी स्थिति केजरीवाल से अच्छी है यार। फिलहाल तो अच्छी है, उनको तो खैर अच्छे नेता है वो। और देखिए ये वैसा ही है, जेल भरो आंदोलन, अगर आप उनके साथ नहीं हो, आप उनके खिलाफ हो, तो हम 26 महीना काट के आए केजरीवाल जी, हम मजे ले चुके ये चीज के। हम ले चुके हैं उत्तर मध्य मुंबई, मतलब वही ही क्यों, और उसका क्या विशेष, हर कोई जो लड़ता है उनके कुछ मुद्दे होते हैं, आपके मुद्दे क्या होंगे विशेष, तैयारी क्या की है आपने, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है वक्त का। मैं तो सर मेरे साथ जो है वो एक्सपीरियंस लोग जुड़े हुए हैं, मेरे जो भाई लोग हैं, जो कुरला में मेरा एक बच्चा है सैफ, जो मेरा छोटा भाई है, वो रोज 2000 बच्चों को खाना खिलाता है, और वो मेरे अल्लाह के बंदे एनजीओ से ट्रेन होके मेरे साथ में है वो। और मेरे साथ ऐसे कई लोग हैं जो ऑलरेडी सोशल वर्कर है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, और जिनको ये पता है कि एजाज भाई गली गली जाके लोगों को समझा लेंगे कि मैं करना क्या चाहता हूँ। देखिए महाराष्ट्र का मुद्दा, छोटी जो ये जगह है ना, वहाँ पे क्या है, पढ़ाई, बिजली, पानी, आप टॉयलेट देख लोगे ना इन लोग के, गरीब लोगों के, तो आप बोलोगे ये क्या। ये मुझे तब समझ में आया जब मैं जेल गया, जब मैं जेल में 3 टॉयलेट में 300 लोग जाते थे, तब मुझे समझ में आया कि ये गंदगी, ये बास, इसके लिए कुछ करना चाहिए। कौन जा रहा है, कौन नेता नहीं जा रहा है। अब मेरे में इतना कूदा है कि मैं वो टॉयलेट के अंदर टॉयलेट करके उनका दर्द समझ सकता हूँ, कि जब 50 लोग खड़े लाइन में और 3 टॉयलेट है तो कैसा फील होता है। मेरी लड़ाई थोड़ी लंबी है, मुझे देखो बिल्डिंगों में रहने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये आंसू ये जज्बात तुम बेचते हो, गरीबों के हालात तुम बेचते हो भाई। पिस्ता गरीब आदमी है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, पिसना उसको ही है। ये जो बिल्डिंग में रहते हैं ये सब लोग तो मजे ले रहे, उनको कौन सी लाइट की प्रॉब्लम है भाई, लाइट की तो जनरेटर आ जाएगा। आप सगम की जिंदगी जी कर ऊपर आए, आपने हर चीज देखी है, तो अगर आप जीत जाते हैं तो क्या करने वाले जज भाई, बताइए। देखिए पहले तो मैं महिलाओं की सुरक्षा, एजुकेशन, और ये जो गरीबों के जो ये पानी के मसले है, ये घरों के मसले है, जो बिल्डर्स इनको बेवकूफ़ बना देते हैं, इनकी साइंस लेके एसआरए में इनके घर छीन लेते हैं, इनको अंधेरी से कुरला से पहुंचा देते हैं, कुरला से सीधा पहुंच जाते हैं ये मुमरा, ये साकीनाका से सीधा पहुंच जाते हैं कहीं और। मेरे को ये लड़ाई लड़नी है जिसमें बहुत सारे माफियाज और बिल्डर्स मिल के ये काम करते हैं, गरीबों के घर छीन लेते हैं और उन गरीबों को पता नहीं कहाँ पहुँचा देते हैं। उस लड़ाई में कोई भी नेता नहीं उतरता कभी, आप मुझे एक नेता बता दीजिए वो लड़ाई में वो नेता हो, क्योंकि बिल्डर और माफियाज ये दोनों मिलके लैंड गरीबों का ले लेते हैं जो सालों से वहां रहते हैं उनका, और उसके बाद कोई उनके लिए लड़ने वाला नहीं है, वो लड़ाई मुझे लड़नी है। मैं अपने आप को ही अपनी चुनौती मानता हूँ, मेरे अंदर क्या कमियाँ है मैं उसको सही करके ये पूरे मेरी टीम के साथ मेहनत करूँगा। मैं देख ही नहीं रहा हूँ लोग कहाँ जा रहे, कौन से नारे लगा रहे, क्या कर रहे, अगर मैं उनको देखने बैठ जाऊँगा तो फिर मैं काम क्या करूँगा। उन लोग मुझे ज़रूर देख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है मुझे। भाई किसी पार्टी ने ऑफर किया, निर्दलीय खड़े हुए हैं, किस पार्टी ने आपको ऑफर किया सामने से, किसी पार्टी से लड़ते तो और आसान हो जाता आपके लिए। हाँ, किसी पार्टी को, अरे पार्टी मुझे लेना नहीं चाहती पवन जी। हाँ जी, देखिए पार्टी घोड़ों को रखना नहीं चाह रही, गधों को ही भगाना चाह रही है, और या तो फिर खच्चरों को भगा रही है। घोड़े उनको चाहिए नहीं, क्योंकि घोड़ा भागेगा और जॉकी ठीक नहीं है, घोड़ा भागा तो जॉकी गिर जाएगा, तो इसलिए अंधा राजा और काणा सिपाही ऐसा हो गया है। देश को ये लोग क्या कर रहे हैं, देश के चार पायों को पहले हिला रहे। अरे भाई इंडिया पाकिस्तान की डिबेट हमें क्या करना रे भाई, पाकिस्तान में क्या हो रहा हमको हिंदुस्तान में क्या हो रहा उससे लेना देना हमको, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है बंबई के अंदर। मैंने हॉस्पिटल के लिए काम किया तो मैंने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसे अस्पताल नहीं है जहाँ पे जाए तो आदमी तुरंत इलाज कर पावे, जो गरीब लोग जाते मरी जाते भाई, बाकी सब है कसाई खाने, अंबानी में आदमी जा नहीं पाएगा गरीब आदमी।
वहां पे तो ये बड़े बड़े लोग जाते हैं और फिर बिल बनता है उनका, वो 5-स्टार होटल है। उधर कोई भी आता पीछे के रास्ते से, ये वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऊपर बड़े बड़े रूम है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा भाई, वो केम्स में जाता है, इधर जाता है, वहां जाता है, तो उसको बोलते हैं अरे आप बैठिए लाइन में, ये फॉर्म भरिए। अरे गाली देने का मन करता है, हम पर पढ़ा लिखा होता ये बेचारा गरीब, तो फॉर्म नहीं भर रहा होता, तेरे को सिखा रहा होता तेरी ड्यूटी क्या है। वो तो पढ़ा लिखा नहीं है वो, अब तू उसको फॉर्म दे रहा है हाथ में, अब वो जाके 10 लोगों को पूछ रहा है भाई साहब ये फॉर्म कैसे भरते, भाई साहब ये बताइए जरा। अब वो आदमी बिजी है, बोलते है भाई आगे जा, तो गरीब का तो जो बच्चा है या कोई है वो तो मर जाएगा। तो क्या हो रहा है, मर रहा गरीब है। मुझे गरीबों की लड़ाई लड़नी है, मुझे ये क्या बोलते हैं उसको अपर क्लास, आई डोंट केयर अबाउट देम। वो उन लोग का सब चल रहा है, उन लोग अपना टैक्स भर रहे, खा रहे पी रहे, चोरी कर रहे, सब कर रहे। आई एम कंसर्न अबाउट दिस पीपल जो अपने हक के लिए रो रहे हैं, मर रहे हैं, और अब इतना रो चुके हैं कि वो अपनी गुहार को भी नहीं उठा रहे, इतना दब चुके हैं वो लोग, इतना दबा दिया। मैं उन लोग की आवाज़ बनना चाहता हूँ, चाहे वो दलित हो, मराठी हो, मुसलमान हो, फलाना हो, ढिमका हो, कोई भी हो, वो हिंदुस्तानी होना मांगता है। देखिए धर्म का धंधा है और हर बंदा उसमें अंधा है, ये धर्म का धंधा है और हर बंदा उसमें अंधा है। ये धर्म का धंधा चल रहा है, मैं उसमें नहीं मानता हूं। मेरे साथ सागर नायडू चलते हैं, मैं सो जाता हूं ना तो नायडू जागता है, सागर जागता है। मेरी माँ, उसका नाम है जोहरा बानू, मेरी माँ ने मुझे बड़ा तो किया लेकिन मुझे मेरी माँ के जैसा प्यार कमलाताई ने भी दिया, वो मराठी है भाई। शिवाजी की सेना में, शिवाजी छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की सेना में सबसे ज्यादा मुस्लिम थे। जब वो सो जाते थे तो मुस्लिम जागते थे। आज हमारे यूथ को ये लोग क्या दिखा रहे हैं, उनको ये दिखाओ ना कि भाई मराठी और मुसलमान भाई है, एक ही पार्टी बना लो, फिर तुमको बीजेपी से लड़ना है तो तुम क्यों चाह रहे हो कि मैं शिवसेना तो मेरे को सीट मिल जाए, मैं कांग्रेस, मैं ये, मैं वो। अरे तो तुम सब लोग इनसे लड़ाई लड़ रहे हो, तो तुम सब एक हो जाओ। अगर मराठी और मुसलमान महाराष्ट्र में एक हो जाए तो कोई और जीत सकता है? तो ये राजनीति है और ये धर्म पे हो रही है। तू मला वोट कब्जे, तू इसको दे, तू मेरे को दे भाई, मैं मुसलमान हूँ तो मेरे को दे। मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे वोट दो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, तो मुझे वोट दो। और ऐसा नहीं है भाई, अभी मेरे भी कुछ मौलाना लोग अभी ये फैला रहे होंगे वहाँ पे, एजाज खान को वोट नहीं देना, वोट कांग्रेस को देना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है एजाज खान वोट काटेगा। अरे एजाज खान 26 महीना जेल काटा मौलाना, तुम थे क्या उधर एक दिन में? हाँ, ताज्जुद पढ़ते और फिर सॉरी बोलते कि ये क्या हो गया, हमने सब लड़ा है। तो मेरे भाइयों, इस बार तुम्हारे दिल की सुनना, मौलाना बोले, पंडित बोले, किसी की मत सुनना, अपने दिल की सुनना और देखना कि कौन तुम्हारे लिए भाग के चेंज ला सकता है। राष्ट्रवाद पे वोट मत देना, मजहब पे वोट मत देना मेरे भाई, धर्म के लिए मत जियो, देश के लिए जियो। धर्म के लिए मत खेलो, देश के लिए खेलो। धर्म के लिए वोट नहीं, देश के लिए वोट देना है। दो आप लोग चाहोगे तो सब यंग नेता होंगे, कोई भी डायबिटीज ये वो कैंसर लॉन्सर वाले नेता नहीं होंगे, ये आपके हाथ में है। यंगिस्तान है हमारा हिंदुस्तान, क्या हो गया है। सर मेरे साइड से एक लास्ट सवाल ये है, पूछिए। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो प्रधानमंत्री बनाता है और बीजेपी का और उनके सहयोगी का क्लियर है कि माननीय नरेंद्र जी को बनाना है, विपक्ष का भी क्लियर नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल था, क्या आपको पसंद नहीं आया, इसलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाहते हैं? वो बोल रहे थे मंगलसूत्र पे कोई बात बोल रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, और मंगलसूत्र
क्या आपको लगता नहीं ये कोविड वैक्सीन से जितनी औरतों के पति मर गए उनका मंगलसूत्र नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है जितनी किसानों ने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, क्या उन लोगों का मंगलसूत्र नहीं है, उनकी बहू बेटियों का? क्या जितने जवान देश के लिए बॉर्डर पे शहीद होते हैं उनकी बीवियों का, उनकी बच्चियों का मंगलसूत्र नहीं है? देखिए, किसान और जवान देश के रीढ़ की हड्डी है। क्या आपको लगता है मोदी जी ये दोनों हड्डियों को संभाल रहे? मोदी जी किसको संभाल रहे? जो भी बड़े बड़े चोर है इस देश के वो बीजेपी में तुम्हें मिल जाएंगे, जो बड़े बड़े रेपिस्ट है इस देश के वो तुम्हें बीजेपी में मिल जाएंगे। अब तो ये हो गया कि ऐसा है कि किसी ने अगर 10-12 हजार, 15 हजार, 1 लाख करोड़ का घपला किया है तो मत कहो उसे टिकट मिल जाएगी बीजेपी में। और अब वर्षा गायकवाड़ जी भी, मुझे एक चीज उनकी बुरी लगी कि उनकी रैली में उन्होंने, वो सेक्युलर है, कांग्रेस पार्टी तो सेक्युलर है, चलो कहती है मुसलमानों के हमदर्द है, समझ में आता है, वो भी आपका वोट बैंक ही है मुसलमान, नहीं तो आप मुसलमान को सीट दे देते, किसी एमपी मुसलमान को खड़ा करते, लेकिन वो आप वोट बैंक ही है, वो आपका खेल है। तो आप अपनी रैली में जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, ये सेक्युलरिज्म नहीं हुआ, तो फिर आप खुल के जो है वैसे वोट मांगिए, ऐसे चल के वोट मत मांगिए। तो धर्म के नाम पे राजनीति करना बंद कर दीजिए, देश के लिए कुछ कर सकते तो आप इसमें आइए, वरना आप लोगों को कोई हक नहीं है। जस भाई, चुनावी एरिया अगर देखा जाए तो वो काफी बड़ा है और दिन बहुत कम है, किस तरह से कवर करने वाले हैं, लोगों तक कैसे पहुंचने वाले हैं, प्रचार किस तरह से करने वाले हैं, कौन-कौन आपके साथ प्रचार? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें 26 महीना एक जगह पे बिठा दूं, उसके बाद बोलूं बाहर आ जा, तो तू थकेगा रुकेगा? नहीं रुकता आदमी भाई, मैं अंदर इतना प्लान बना के आया हूँ ना, 6 दिन आदमी एक जगह पे बैठ जाए तो उसको ऐसा निकालेगे ना तो ऐसा भागेगा। मालूम है, जानवर को गुफा में बंद कर देते, निकालते तो कैसा भागता है वो। अभी शेर को इन लोग ने गुफा में बंद कर दिया था, अभी इन लोग खोले शेर को, शेर अभी खाली दहाड़ेगा। मैं कहाँ सोने वाला हूँ भाई, मेरे को तो ऐसे भी इंसोम्निया है। मालूम है, ये बीमारी शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी है, और वो इस मेरे को भी है। तो अब तू समझ जा। अपनी कंपेनिंग में किसको बुलाना पसंद करते हैं आप? अगर आप कंपेनिंग करेंगे अभी, क्या अकेले करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। यार, मैं कैंपेनिंग में बिलीव नहीं करता हूँ कि आप ये स्टार को बुलाइए, ये मेरे सारे स्टार दोस्त हैं, सारे इन्फ्लुएंसर बच्चे मेरे दोस्त हैं। अब क्या मैं इनको बुला के अगर वोट मांगूंगा, मेरे को वोट दो, तो मेरा खड़े रहने का मतलब ही क्या हुआ? मैं अपने लेवल पे मेहनत करके वोट लूंगा, बल पे बल अपना बल, इसलिए डम्बल लिया हूं मैं, बल पे बल अपना बल इसलिए लिया मैंने डम्बल, समझे कि नहीं समझे? आई विल फाइट, आई विल टेक माई पीपल, आई विल गो टू एवरीबडी एंड आस्क, मुझे वोट दो अगर आपको ठीक लगता है, मेरा यह प्लान है, मैं ये कर सकता हूं। और मेरे साथ सब यंग लड़के हैं, स्पोर्ट जूते ले लिए हम लोगों ने सबने, रुकने का कोई शॉट नहीं है, और हम लोग साइकिल ले लेके सब जगह जाएंगे, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं तो शिवसेना और बीजेपी का रैली था तो इन लोग आपस में लड़ रहे, पूरे पब्लिक वहां पे, एक एम्बुलेंस थी, वो एम्बुलेंस को निकल नहीं पाया, बच्चा पता नहीं कोई बीमार था उसमें, तो ये सब तकलीफ है जनता को क्यों? जनता के लिए कर रहे हो जनता को तकलीफ, अभी तो आई भी नहीं और तकलीफ चालू जनता को। अभी कौन किसका बच्चा रहेगा, वो क्या रहेगा, उसको एम्बुलेंस को जगह नहीं, ये लोग लड़ते जा रहे, पुलिस परेशान इनके वजह से। क्या हमारे पुलिस वाले इसलिए है सिर्फ कि इन लोग को रोकते रहे, लाठी लेके धक्के देते रहे? अरे तमीज से जाओ रे, तमीज से आओ। तो जनता को परेशान मत करो, जनता को सपोर्ट करो, जनता के लिए लड़ो, और मैं जनता के लिए हूँ, मैं गरीबों के लिए लड़ना चाहता हूँ और मैं लड़ूंगा। भाई एक बात बताओ, कल सुबह तू और मैं उठेंगे कि नहीं ये मालूम नहीं है अपने को, तो वोट कितने आएंगे तेरे को अभी से कैसे बताऊं? मैं क्या कोई बीजेपी का कोई नेता हूं क्या? अगर आप जीतते हैं तो उसके बारे में जनता को बता सकते हैं क्या करेंगे?
भाई देखिए महंगाई ऐसी है कि महंगाई जहाँ से पास होती है वहाँ पे मैं ऐसा मारते रह जाऊँगा, होगा नहीं कुछ। लेकिन मैं लड़ाई तो लड़ सकता हूँ, इनके लिए आवाज़ उठाऊँगा, असेंबली में बोलूँगा कि भाई क्या कर रहे हो। अभी क्या है देखो भाई, ये सूबे पे बैठे ठेकेदार है, इन लोग जब आते हैं तो अब मैंने ना दुनिया देख ली, ये लंदन अमेरिका ये वो वैसा वैसा, सच बोलूँगा तुम लोगों को, हर मॉडल खूबसूरत लड़की घुमाया, उस टाइम पे हीरो वाला फील था, वो सब किया, पार्टी किया, नाचा गाया, सब कुछ किया, दुनिया देखी, हर किस्म की गाड़ी चला ली, बाइक चला ली, हर किस्म की घड़ियाँ पहन ली। एक लालच सी मर गई है मेरी यार, मैंने सब देख लिया, हर मौसम, हर कलर, हर सब कुछ देखा मैंने। और उसके बाद मैंने एक अंधेरा देखा, और जो अंधेरे में मैं बैठा ना, तो मेरे को ऊपर वाले ने बोला, क्या रे समझ में आ रहा है क्या तेरे को? और मैं सब बैठा हूं, इधर खटमल चल रही ले, इधर सब चिल्ला रहे, पब्लिक लोग आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे, मुझे लग रहा है यार कहां पे आ गया हूं मैं यार। मेरा ऊपर वाला बोलता, पब्लिक के लिए कुछ कर जैसा तू करता था पहले, अभी छोड़ के तू वापस क्या कर रहा है? फिर मैंने जेल में लोगों के लिए चार्जशीट पढ़ना शुरू किया कि मैं जेल में लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ। जिनको चार्जशीट पढ़ना नहीं आ रहा था, मैं उनकी चार्जशीट पढ़ के उनको पॉइंट बता रहा था। फिर जिनको अर्जी लिखना नहीं आ रहा था, उनके लिए मैं अर्जी लिखता था। जितने भी बुजुर्ग लोग जो अंदर फंसे हुए हैं, जिनको लोग भूल गए, घर वाले भूल गए, जज भी भूल गया उनको, मतलब एक साल की सजा में चार साल से अंदर है आदमी, उसको कोई इंसाफ नहीं है ना उसका कोई बोलने वाला है। मैंने एक जज को लेटर लिखा कि माई लॉर्ड आई एम इन योर कस्टडी, माई सेंटेंस इज फिनिश, स्टिल आई एम इनसाइड। वो जज वो पढ़ के ना वो बोल रहे, बाप रे बाप, ये आदमी चार साल से अंदर है, बोले इसकी एक साल की सजा थी, वो उसको तारीख पे नहीं भेजे तीन साल, वो तीन साल तारीख पे नहीं गया तो वो छूटा भी नहीं, बोलो। यानी कि अत्तर रोड जेल से आदमी की तीन तीन साल तारीख नहीं लगती, अगर तारीख नहीं लगी तो आदमी छूटेगा कैसे? तो मेरे को वो सनी देओल का डायलॉग समझ में आया, जो पहले मैं डायलॉग के हिसाब से देखता था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मगर इंसाफ नहीं मिलता, यू ऑनर मिलती है तो बस तारीख। फिर मुझे समझ में आया कि 26 महीने मुझे भी तारीखें मिलती गई। सर जिंदगी के 26 महीने बहुत कीमती होते, इसे समझ में आया कि देश के लिए कुछ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये सवाल अच्छा है तुम्हारा। अगर बात ऐसी आई कि किसी पार्टी में जुड़ना है, तब का तब देखेंगे, पहले जीत तो जाए, जीतने के बाद पता चलेगा क्या करेंगे। जब इंडिपेंडेंट आदमी चल सकता है, जब जीत सकता है, तो फिर पार्टी में काहे को जाने का? कैसी बात कर रहे हो जानू, खुद के बल पे जीत के आ रहे, बाकी इन लोग बोले हमारे पास आ जाओ, अरे चल रहे। अकेला भी तो आदमी सूट पहन के जा सकता है कि आई एम हियर सर, आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये तो मेरे भाइयों के हिसाब में है कि भाई ना डायबिटीज है, ना शुगर है, ना कोई बीमारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ना कोई ऐसी कमजोरी है, ना कोई डर है कि बीवी बच्चे सब अल्लाह भरोसे छोड़ दिया हूँ मैं, जो होगा देखा जाएगा। लड़ाई लड़नी है, जान जाएगी देखी जाएगी, जो जाएगा देखी जाएगी, लेकिन लड़ाई लड़नी है। नहीं यार, अभी किसी ने छोड़ दिया तो मैं छोड़ दूं क्या? क्या बात कर रहा है यार, सब करेंगे ना भाई, लेकिन देश की सेवा भी तो करें। लोग क्या कर रहे, एक ही चीज कर रहे खाली, देश में क्या हो रहा है भूल जा रहे। अरे कचरा ही तो है, फेंको ना, सुबह में वो उठा के जाएगा। लोगों की सोच ऐसी हो गई है, अरे हम लोग टैक्स भरते हैं ना, स्वच्छ भारत, विकास, विकास खाली दोस्त लोग ही मिल रहे हैं मेरे को, बाकी विकास हो रहा नहीं है किसी का, खाली दोस्त लोग मिल रहे कि ये विकास है, ये विकास बहल है, ये विकास सिंधे है, ये विकास, लेकिन विकास कहाँ है? हो ही नहीं रहा है, जैसे पवन चल ही नहीं रहा है। भाई ये डिसीजन जो आपका, कैसे जहन में आया कि मतलब कुछ तो आपको एक बार हुआ कि नहीं करते हैं छोड़ो? अबे तू आया तो था मेरे एमएलए इलेक्शन में, तू मेरे अल्लाह के बंदे में, तेरे से ज्यादा मुझे कौन जानता है? तेरे को ऐसा आके यहाँ पे बोलना चाहिए कि एजाज खान क्या है भाई, मैंने इसकी लड़ाई देखा। हमने आपका
हमने आपका शक्ल से लेकर आज तक सब चीज कवर की है। बस बस वही बोल रहा हूँ, तुमसे ज्यादा मुझे कौन जानता है मिस्टर पवन।